नमस्कार, प्रणाम, गोर लगतनी, हम हैराना रउआ देख रहल बनी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पर आज के ब्लॉग वीडियो जन बाटे ई बाटे गंगपुर सिसवन से। सिसवन जौन की प्रखंड हटे और ई रघुनाथपुर के पूरब में और सिवान जिला के दक्षिण में स्थापित बाटे। और वही जा हम आज पहुँचल बनी और ई हटे हरे राम ब्रह्मचारी के तपोस्थल, तपोभूमि, वहाँ के समाधि स्थल और वहाँ के आश्रम। ब्रह्मचारी जी के जन या वहाँ के अनुयायी जन बाणे वो दूर दूर तक बाणे। यहाँ के पूजा अर्चना करे वाला यहाँ के भक्त बहुत दूर तक फैलल बाणे। ब्रह्मचारी जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखल बाटे, वो हम लोगों के बता दी। श्री श्री 1008 हरे राम ब्रह्मचारी जी ऊपर लिखल बाटे। 1008 लगौला के मतलब कि यहाँ की 1000 प्लस यज्ञ करौले होखन, तब 1008 लिखल बाटे। तो यहाँ के यज्ञ करौले होखब। यहाँ के तपोस्थल है, यहाँ के रहे वाला ना है। यहाँ के जन्म जौन बाटे वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सूध छपरा नाम के गांव बाटे, वहाँ भई रहे। यहाँ के पिताजी के नाम श्री रविंद्रनाथ पांडे जी हो। यहाँ के जन्म 1840 में भई रहे। आ यहाँ के 1928 में यह दुनिया के छोड़ के चल गईनी, प्रलोक सिधार गईनी। अभी ये मंदिर के जो पुजारी बा श्री उमेश पाठक जी बानी, वहाँ के पिता के नाम है स्वर्गीय श्री सत्यनारायण पाठक जी। यहाँ के सरौत सिसवन के लगे बा, वही सरौत गांव के रहे वाला हैं। तो चलिए अब प्रांगण में तपोस्थल में प्रवेश कर जाओ और ब्रह्मचारी जी के आश्रम के रउआ सबके दर्शन कराओ तनी। हम सिवान के आसपास में जितना भी जगह पर आज तक गईल बानी, जितना भी जगह पर आज तक घूमल बानी, या आश्रम देखले बानी, इतना सुंदर आश्रम अपना दू चार गो जिला में नहीं खे देखे के मिलल, जितना सुंदर ही आश्रम बनल बा। चारों तरफ से बाउंड्री बा और बाउंड्री के बीच में ये आश्रम बाटे। देखिए हरियाली खूबसूरत। अभी हमनी के देखल जाना तो समय में एगो रिवर व्यू या सी व्यू, माने समंदर के किनारा या नदी के किनारा के प्रचलन चल रहल बा। और उह दौर में ई जौन स्थान बाटे ई वाकई में बहुत खूबसूरत जगह पे बा। और यहाँ इतना शांति का अनुभूति होता, इतना पेड़ बा यहाँ कि मतलब मन करता कि दिन भर यही जा रही, कहीं और गैला के जरूरत नहीं थे। तो चलिए पहले बाबा के दर्शन करा ली और बाद हम कैंपस के दिखाएं। पहले बाबा के दर्शन कर जाओ, बाबा से मिलल जाओ। अब हम देखें हे त्रिकाल संत श्री हरे राम ब्रह्मचारी आश्रम अटे और बाबा के लगे चलतनी, बाबा के आश्रम में चलतनी। हमारी पहला विजिट है, एकरा पहले हम खाली सुनले रहनी हो, आज तक आई ना रहनी हो। देखिए पूरा मार्वल लगल बटे और आराम से पर बैठ सकता नहीं, सूत सकता नहीं, हवा इतना बढ़िया चलता कि मतलब पूछी मत। अच्छा, ये संत के जगह हटे, ब्रह्म के जगह हटे, तो एगो चीज़ यहाँ ध्यान रखे के बा कि जब भी ब्रह्म के लगे जाएं, पूजा अर्चना करें, दर्शन करें, तो कोशिश करी कि रउआ साथे कोनो चमड़ा के वस्तु जन बाटे अंदर प्रवेश ना करे। अब भाई चाभी रिंग बा, संभवतः हवे आर्टिफिशियल चमड़ा हवे, ऐसे अंदर लेके ना जाए। ई बाबा के समाधि स्थल हटे और एमे हम प्रवेश कर रहल बनी रउआ सबके दर्शन करावे खाती। ई बाबा त्रिकालज्ञ संत श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी के रुआ दर्शन करी। देखी वहाँ के ई तस्वीर में रखल बाटे और ई वहाँ के समाधि स्थल हो, वहाँ के खड़ाऊ रखल बाटे, पूजा कैले बा लोग और लोग पूजा करे खातिर एजा आवेला। और सुख समार के तो भीड़ होबे करेला, स्पेशल कोनो दिन नहीं खे, एतवार के एतवार यहाँ सुननी हो कि कथा प्रवचन भी होला। तो ई बाबा के स्थान हटे, दिव्य दर्शन कली
जो सिसोन के आसपास के रहे वाला लोग बा, वो बाबा के बखूबी जानता और बाबा के मानता। अब चली यहाँ से बाहर निकल जाओ, जैसे स्थान बाटे एकदम सही सुरक्षित, बंद करे तनी, चूँकि पुजारी जी अभी यहाँ नहीं थी और पुजारी जी के घर में शायद केहू परिवार में मरल बाटे तो छुटका लागल बाटे, ऐसे वहाँ के नहीं थी। अब चल तनी देखी, ई बाबा के ब्रह्मचारी जी के सुने में आई रहा कि मूर्ति लिया के स्थापित कर गए बा, वो समाधि रल और यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर ले बा केहू भक्त लिया के जौन की बनवा के यहाँ ताला बंद बाटे, चाभी केहू के लगे होई या हो सकता कि पुजारी जी के लगे हुई, तो ये बाबा के मूर्ति बाटे, मूर्ति के दर्शन करी। ये मूर्ति जन स्थापित भइल बा वही मंदिर पर बानी अभी हम, और ऊपर चारों तरफ से घेरा बनल बाटे। ये देखी ये यज्ञशाला बाटे जहाँ पर कीर्तन पाठ होला, चूँकि यहाँ पर सुने में आइल है कि हमेशा कीर्तन होत रहेला, और बाबा के जौन गांव बानू सूद छपरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के, वो गांव के लोग बाबा के बहुत बड़ा भक्त हो। सुने में ये भी आइल हो कि बाबा जौन बानी यहाँ के दो भाई रहनी, एगो भाई के समाधि जौन बाटे वो सूद छपरा में बा और एक भाई के समाधि यहाँ बा। बाबा जब घर से निकलनी तब करे खाती तो वहाँ के चलनी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कैनी, सिसोन गांव में आईनी, तो एजा जब आईनी तो यहाँ के मिट्टी से यहाँ के एगो लगाव महसूस भइल, और जब मिट्टी के जांच कैनी बाबा तो बाबा के ऐसन मिलल कि ई जौन मिट्टी बाटे ई तपोभूमि है, ई कोनो संत के मिट्टी हटे। एजा पहले भी स्थान रहे, लोग बतावल है कि एजा पहले स्थान रहे, केकर रहे नहीं के पता। बाबा आईनी और बाबा स्थान पर अपन कुटिया बनैनी और यहाँ रह के तप करे लगनी, साधना इतना कैनी कि रउआ देखिए नदी दिख रहा बिया, सरयू नदी ही एकदम किनारा बाटे, बाबा के बाउंड्री तक पानी सटल बा, यह सरयू नदी हो जौना के लोग घाघरा के नाम से जानेला, सरयू के नाम से जानेला, चूँकि हमने के लैकाइए से नू सरयू नदी कहले बन जाए तो अभी मुँह से सरयू नदी निकलेला, और सरयू नदी घाघरा नदी दोनों एक हो। तो यह नदी के बाबा जन बा पैदल चल के पार कर जाई, विश्वास नहीं होत नो, ये विश्वास सिसवन के लोग के रहेला, ये विश्वास सिसवन के लोग के बा, यहाँ के आसपास के लोग के बा, बाबा के अनुयायी लोग के बा, कि बाबा अपना आप के इतना योग्य बना ले रहनी, इतना साधना के ले रहनी कि पानी पर चल के ओह पार अपना गाँवें चल जाई। बाबा के साधना गजब के रहे। सुने में ये भी मिलल हो कि जब बाबा रहनी तो ओकरा सांपकट्टी होके, केहू के सांप काटे, केहू के कोनो बीमारी होके, केहू के कोनो तकलीफ होके, तो बाबा के लगे आवे और बाबा ओकरा के चुटकियों में ठीक कर दी, चूँकि बाबा अतना अपना आप के साध लेल रहनी साधना कर के। अब देखी हई जौन नीचे मार्बल दिख रहा बा, ई मार्बल जौन लगावल बा ई केहू डॉक्टर लगेले बा, नाम नहीं पता चलत काहे कि कहीं लिखल नहीं, केहू डॉक्टर हो जे यहाँ आई रहे और उनकर पुत्र खो गए रहले, कहीं भुलाई रहले या भागे रहले, जहाँ भी गई लोकस उ बाबा से अर्चना कैले, बाबा से प्रार्थना कैले कि हमार पुत्र मिल जाए तो हम यहाँ कुछ करें, तो उनकर पुत्र मिल गए तो वो पूरा ये मार्बल पूरा मंदिर में पूरा कैंपस में जिन्हें जाम उन्हें रउआ दिख जाए। पेड़ देखी पीपल के पेड़, सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ बा यहाँ, ओकरा बाद पकड़ी के बा, बौर बा, अशोक के पेड़ बा, केला के पेड़ बाटे, तो ये चारों तरफ रउआ पेड़ पौधा यहाँ पर देखे के मिली, और कैंपस में चारों तरफ धर्मशाला देखे के मिली। रउआ सोचब कि ऐसा स्थान जौन कि नदी किनार पर बा, इतना धर्मशाला इतना बिल्डिंग कैसे बनल बा ये हम बताएं। ये देखी ये भी एगो मंदिर बाटे, और ये मंदिर में बजरंग बली के और शिव जी के लिंग स्थापित बाटे, बजरंग बली के मूर्ति बाटे, शिव जी के लिंग स्थापित कर गेल बाटे। भक्त लोग जब ब्रह्मचारी जी के पूजा करे खातिर आवेला तो यहाँ
बजरंगबली के और शिव जी के भी दर्शन करेला। थोड़ा सा रुआ के कैंपस दिखा दी। कैंपस में देखी हेदे सोलर दुदू को लागल बटे। सोलर विधायक श्रीमती जगमातो देवी जी के बेरा के हो। जगमातो चाची जना बेरा विधायक रहनी उबरा की लगावल हटे और होने के और नेता के देहल सोलर हुई। ओकरा अलावा है देखी है धर्मशाला के निर्माण के लिए बा। ये निर्माणकर्ता लोग के नाम बा। नाम जब हम पढ़े गए नहीं हो तो सारा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर में नाम दिखल हो जे लोग सहयोग दे के एकर निर्माण करौले बा। और बाबा के भक्त बिहार से ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश में दिखत रहें। रउआ आगे होने देखे तो उधर धर्मशाला बनल बटे दुदूगो। एगो तो बुझाता कि गेस्ट हाउस हो, शायद गेस्टे हाउस हो, चूँकि भक्त लोग जब उत्तर प्रदेश के भक्त लोग आवत हुई और यहाँ पर अष्टजाम आके समय समय पर उत्तर प्रदेश के लोग करावेला, बाबा के गांव के लोग करावेला, तो गेस्ट हाउस खनी ही दिख रहा बा। चूँकि लोग आवत हुई तो लोग के रहे खातिर व्यवस्था चाहिए नो तो उ बनल बाटे। ये पूरा व्यवस्था बा। अभी हेदे एगो नया निर्माण भइल हा कि उत्तर प्रदेश के ही प्रधान हटे जे एकर निर्माण करेला सो। तो ये पूरा सुंदर कैंपस हमारा बड़ा मजा आवता। मतलब अब हम का कही, एकदम हम आनंद से सराबोर बानी। और हई जौन बाटे ये चबूतरा ना बल्कि मंच हो। अगर हैसन मंच कोनो थिएटर आर्टिस्ट के मिल जाओ, अगर हैसन मंच कोनो थिएटर ग्रुप के मिल जाओ, इतना शांत वातावरण मिल जाओ तो ओकरा कहीं गैला के जरूरत नहीं है। कालिदास रंगालय में रहुआ जाएम और रहुआ हेजा ना आएम है। देखा था नहीं पेड़ के नीचे जहाँ हमेशा छाँव रही, जहाँ केहू रहुआ के डिस्टर्ब करे वाला ना रही, इतना बड़ा मंच मिल जाए तो वाकई में मजा आ जाए। और यह मंच पर हर एतवार के प्रवचन होला। लॉकडाउन के वजह से कुछ दिन तक ना होत रहा, फिर से चालू हो गई बा। तो मंच पर प्रवचन होला और रउआ सिसवन के हई तो आ सके नहीं, रउआ सिसवन के आसपास के हई तो आके प्रवचन में भाग ले सकतनी। और ऐसे भी कहियो अगर छुट्टी में रही, घरे रही, तो परिवार के साथे आई दो चार घंटा खाती आएम। आएम तो सिर्फ पूजा करे खातिर मत आएम, आएम तो यहाँ योग साधना करे खातिर भी आएम या शांत रहे खातिर भी आएम। और आके यहाँ चुपचाप आराम से बैठे बाबा के पूजा अर्चना करके। यहाँ तमाम जगह बा, इतना ना जगह बनू कि वह केनियो बैठ सकतनी। तो आराम से बैठे और भगवान के याद करम, बड़ी मजा आई। हम काफ़ी देर बैठला के बाद ही ब्लॉग वीडियो बनैनी हो और एक बाद भी हम काफ़ी देर तक बैठे वाला बानी, इजा रहे वाला बानी। बड़ा मजा आवता और वाकई में ये आनंद के दोसर कोनो विकल्प नहीं है। किंदवंदनी के अनुसार सिसवन स्थित ब्रह्मचारी जी के कुटिया जनबा ई रामायण कालीन श्रृंगी ऋषि के आश्रम हो। रवा ई जान लें कि श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के संबंधी रहनी। शास्त्र के अनुसार श्रृंगी ऋषि से ही महाराजा दशरथ के बड़ पुत्री शांता के सुविवाह भई है। अरुआ इहो जान ली कि देवी शांता भगवान श्री राम के बड़ बहिन रहली। आज श्री राम के जन्म से पहले ही देवी शांता के विवाह श्रृंगी ऋषि से हो गई रहे। तो ये मान्यता बाटे कि आश्रम जौन बाटे उ आश्रम उहे श्रृंगी ऋषि के। वीडियो देखने उम्मीद करतनी कि वीडियो अच्छा लागल हुई। उम्मीद करतनी कि ब्रह्मचारी बाबा के बारे में बतावे में शायद कुछ छूट छोड़ले ना होखी हम, क्या हमरा जौन पता चलल है तौन हम बतैनी हो। यहाँ जो लोग रहला ओकरा से पूछ के जान के हम सारा चीज़ रुआ सबके बतौनी हो। कुछ छूटल होके तो माफ़ी चाहब और बस ये कहब कि वीडियो अच्छा लागल होके तो लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी ज़्यादा से ज़्यादा। और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं की कैले तो कर ली। चलो तनी नमस्कार।